कार्तिक और नायरा ने एक दूसरे के लिए उपवास रखा था। हालांकि कार्तिक को संदेह है कि नायरा ने उपवास नहीं रखा था। वेदिका ने कार्तिक के लिए उपवास रखा था, लेकिन वो इसे पूरा करने में विफल रही क्योंकि वह तनाव के कारण बेहोश हो गई और इस तरह उसे भोजन लेना पड़ा। जबकि कार्तिक इस बात से अनजान है कि नायरा ने उसके लिए उपवास रखा था। यहाँ नायरा अकेले पूजा करने आती है और बेहोश होने वाली थी। कार्तिक वहाँ आता है और उसे पकड़ लेता है। कार्तिक नायरा को पानी पिलाता है और दोनों चांद को देखते हैं और व्रत तोड़ते हैं। कार्तिक और नायरा ने इस तरह अपना तीज उत्सव मनाया और वेदिका को ये देखकर दर्द हुआ। कार्तिक और नायरा के जीवन की बारी है और यहाँ गोयन का घर में तीज उत्सव का आयोजन किया जाता है। नायरा नहीं चाहती कि वह इसका हिस्सा बने, जबकि उसे तैयार होना था और कारव के कारण उत्सव में भाग लेना था। नायरा ने कार्तिक के लिए तीज व्रत रखा था, लेकिन इसे किसी को नहीं बताया था। यहाँ वेदिका ने भी उपवास रखा था। वेदिका अपना व्रत पूरा नहीं कर सकी क्योंकि वह बेहोश हो गई और यहाँ दादी ने उसे भोजन करने और व्रत न रखने के लिए कहा। गोयन का हरे और सुनहरे विषय के साथ तीज का व्रत मना रहे हैं और सभी महिलाओं को इस विषय में तैयार किया जाता है। कार्तिक और नायरा एक साथ रह रहे हैं, लेकिन प्यार और परिवार नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में प्यार है। यहाँ वेदिका ने कार्तिक के लिए तीज व्रत रखा था, जबकि वह इसे पूरा करने में विफल रही क्योंकि वह बेहोश हो गई और डॉक्टर ने उसे नहीं रखने का सुझाव दिया। जबकि यहाँ कार्तिक और नायरा ने एक दूसरे के लिए उपवास रखा था और कार्तिक इस बात से अनजान है कि उसने गलत समझा कि नायरा ने उपवास नहीं रखा था। कार्तिक गलतफहमी जल्द ही समाप्त हो जाती है क्योंकि पूजा के ठीक पहले नायरा बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। कार्तिक इस प्रकार नायरा को पानी पिलाता है और इस तरह वह सभी का तेजी से उल्लंघन करता है। ये देखने के लिए वेदिका को देखा जाता है। नायरा अपने प्रेमी को खोजने में लिसा की मदद करने की कोशिश कर रही है और यहाँ उसे उस नंबर का अवैध रूप से इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में सुराग मिलता है। नायरा ने लिसा को सच्चाई खोजने के लिए पुलिस में जाने का सुझाव दिया, लेकिन लीजा को इस पर सोचने के लिए कहा। कार्तिक इसमें नायरा और लिसा की मदद करने की पेशकश करता है और ये पता लगाने का जिम्मा लेता है कि इस नंबर का इस्तेमाल कौन कर रहा है क्योंकि यह गोयन का उद्योग से जुड़ा है। यहाँ नायरा और कार्तिक चौथ आने वाले सच तक पहुँचेंगे और ये सच्चाई परिवार को एक बड़ा झटका देती है क्योंकि नायरा अखिलेश पर आरोप लगाती है। दादी ने अखिलेश पर आरोप लगाने की कोशिश के लिए नायरा को चेतावनी दी, लेकिन यहाँ कार्तिक नायरा के समर्थन में आएगा और अखिलेश के गोवा में होने और दिल्ली में होने के बारे में भी खुलासा करेगा। कार्तिक और नायरा का जीवन उन्हें एक साथ मिल जाता है। यहाँ वेदिका अपना तीज व्रत रखने में विफल रहती है। वेदिका अपने प्रयास में विफल हो जाती है क्योंकि वह बेहोश हो जाती है, जबकि नायरा ने कार्तिक के लिए उपवास रखा था, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताती है। यहाँ पूजा समारोह से ठीक पहले नायरा बेहोश होने वाली थी और कार्तिक उसे पानी पिलाने के लिए समय पर आ गया। कार्तिक नायरा को पानी पिलाता है और नायरा चांद को देखती है। नायरा उपवास पूरा करती है। नायरा कार्तिक हथियारों में है और सब कुछ नियति द्वारा नियोजित है। कार्तिक और नायरा 5 साल बाद तीज का जश्न मनाते हैं और ऐसा लगता है कि ये एक भव्य मिलन है। कार्तिक और नायरा की नजदीकी बढ़ती जा रही है और ये तीज कार्तिक नायरा के प्यार में बदल जाती है। कार्तिक नायरा का उपवास तोड़ता है और यहाँ दोनों प्यार के रोमांटिक पल साझा करते हैं। वेदिका सभी बिखर गई है और इस तथ्य पर धोखा महसूस करती है। कार्तिक और नायरा संग वेदिका को दर्द देता है। वेदिका अंत में नायरा का सामना करती है और उसे धोखा देने और कार्तिक को उससे छीनने का आरोप लगाती है। वेदिका नायरा पर भड़क जाती है कि उसने उस पर भरोसा कर लिया है और उसने कार्तिक को छीनकर उसका पीछा किया। नायरा अवाक है क्योंकि उसे पता है कि वेदिका को गुस्सा होने का अधिकार है क्योंकि उसने अपने विवाहित जीवन में प्रवेश किया है।